Trudeau, I think, has made a huge mistake. He has made allegations in a manner which he hasn't been able to back. He... मैं इंडिया जाके खुद जाके देख के आया हूँ. मैं गोल्डन टेम्पल में भी होकर आया हूँ, इसके अलावा न्यू दिल्ली और बरेली शहर में और सारे शहरों में फिर के आया हूँ. मैं देख के आया हूँ वहाँ पे अब भी मुसलमान, सिख और जितनी भी मिनोरिटीज हैं उनके साथ वहाँ पे इंसाफ नहीं हो रहा. अगर वो सारे अभी मिल गए ना तो एक पाकिस्तान और वहां से निकल सकता है. उनको हकूक नहीं मिल रहे, उनको मेजोरिटी में नीचे रखा हुआ है. जो भी उनके आवाज उठाता क्या है, उनको पॉलिटिक्स में नहीं आने दिया जाता क्या? उनको पॉलिटिक्स में जो उनके मनमोहन सिंह की जो हुकूमत बनी थी उसमें एक पार्टी नहीं थी, सारी सिखों की पार्टियां और दूसरी पार्टियां जमा हो गए, उन्होंने बनाई थी हुकूमत, एक पार्टी ने नहीं बनाई थी. यहाँ पे जितना सिख रह रहे हैं ना, आप उन सिखों से पूछें कि इंडिया में क्या हो रहा है. अच्छा, वहाँ पे सिखों के साथ कितने बुरा हाल हुआ है. इनको ये नहीं पता 1971 में हमारे एक निशाने पे उनका गोल्डन टेम्पल था, हमने जानबूझ के नहीं उसे तबाह किया. झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए. मतलब इनडायरेक्टली इंडिया को कहा गया है कि ये इस मुल्क में इतनी ताकत है, 140 करोड़ की आवाम दुनिया को झुकाने की ताकत रखता है. ये उनामा बिन लादेन इंजीनियर था तो क्या माफ कर दिया जाए? तुम ये बात करो कि वो बेगुनाह था कि नहीं था, या सबूत रखो कि इंडिया कैसे इन्वॉल्व है उसकी किलिंग. कश्मीर के ऊपर तो बात कर रहे थे, कश्मीरियों को आजाद करो, पाकिस्तान के ऊपर क्यों नहीं बात कर सकते कि उनको भी आजादी दो? क्या बेनकाब होना चाहिए? जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं रिएक्शन. तो दोस्तों, पेंटागन के एक एक्स ऑफिसर ने एक जो बयान दिया है जिसमें कि उन्होंने कहा है कि अगर कनाडा और इंडिया में से अगर किसी को चुनने का काम आता है तो इंडिया को प्रेफर किया जाएगा. साथ ही में उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को भी बताया कि भाई आपके पास तो कोई सबूत नहीं है और आप जो इंटेलिजेंट रिपोर्ट की बात कर रहे हो तो अभी तक बहुत सारी इंटेलिजेंट रिपोर्ट भी गलत साबित हो चुकी है. और वो जो ट्रूडो ने बताया है कि एक कैनेडाई प्लम्बर का मर्डर हुआ है जो कि एक खालिस्तानी था, तो उसके ऊपर भी उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि भाई वो तो प्लम्बर था मगर जो लादेन था वो भी एक इंजीनियर था, तो उसको भी अमेरिका ने ठोक दिया है. तो खालिस्तानियों का सपोर्ट करना बंद करे. तो इसी बयान को लेके पाकिस्तानी आवाम में क्या चर्चाएं शुरू है, यही आज हम आज की इस वीडियो में देखने वाले. तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू. मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए. चलिए करते हैं वीडियो शुरू. आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे जो एलिगेशन भारत पर लगाई जा रही है कनाडा की जानिब से, उसके बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल दुरुस्त लगाई जा रही है. भारत, आप सबको पता है कि ये एक दहशतगर्द मुल्क है और ये पहले ये सारे काम वो पाकिस्तान में करता था. अच्छा। अब पाकिस्तान से ये अब कनाडा और दूसरे मुल्कों में भी इसने ये काम शुरू कर दिया हुआ है. अच्छा। और ये देखने में तो बोल रहा है कि हम लोग जो भी हो हम लोग भारत के साथ है और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के पास कोई भी प्रूफ नहीं है, पूरी दुनिया उनसे प्रूफ मांग रही है लेकिन ट्रूडो साहब ने अभी तक किसी को कोई प्रूफ नहीं दिया. नहीं, लेकिन जो अभी अमेरिका के जो लेटेस्ट न्यूज आई है ना उसमें वो कह रहे हैं कि हम जो है वो कनाडा के साथ है. अभी रिसेंटली ही न्यूज आई है, पेंटागन के एक्स ऑफिशियल ने ये स्टेटमेंट दी है खुदा कर. अच्छा, तो ये हो सकता है अभी चेंज हो. मैंने आज सुबह जो न्यूज सुनी है उसमें मुझे तो यही मिला है अभी रिसेंटली न्यूज़ कि चले ये हो सकता है उन्होंने किया. ये फिर अमेरिका को इंडिया वालों ने फिर थोड़ी सी कुछ लगा दिया होगा उन्हें कि जी आप इस समय अमेरिका को भी खरीद लेगा. नहीं, कुछ जो थोड़े बहुत हैं लोग, सारों को तो नहीं खरीद सकता, कोई एक न्यूज निकल आई होगी. सारी पूरी जो अगर आप पूरी अमेरिका की न्यूज निकालेंगे, इंडिया भी भारत के साथ खड़ा है, अमेरिका भी भारत के साथ खड़ा है और ट्रूडो ने अभी तक कोई प्रूफ दिया नहीं है जो वो बातें कर रहे हैं. लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सब जगह पे इसी की फंडिंग चल रही है, आपको तो मालूम है इंडिया की हर जगह पे इसके जो बिजनेस फैला हुआ है. सॉफ्टवेयर नहीं, सॉफ्टवेयर इसके पहले इनकी आवाम पढ़ी लिखी है, ठीक है, हमारे भी मुल्कों के भी है, लेकिन ये है कि उन्होंने बिजनेस पर थोड़ा सा कब्जा किया हुआ है, इस वजह से वो चाहते हैं कि हमारी बात को गौर किया जाए. देखा कि हम उसके हाथ में कनाडा के हक में हैं. कनाडा देखें, पहले ये हमारे इधर ये खालिस्तान वाले जो है ये चाह रहे थे कुछ के हो यहाँ पर कुछ चले, तो उन्होंने हमारे यहाँ से सारा खत्म करवा दिया. बन को मालूम है बेनजीर के दौर में ये सारी जो खालिस्तान थी जो इनकी चल रहा था इनका खालसा का, ये उस वक्त खत्म हो गया था. इंडिया के सिख तो कह रहे हैं, इंडिया के सिख तो कह रहे हैं कि हम भारत में बहुत खुश हैं, ये सारी कंट्रोवर्सी फैलाई जा रही है दुनिया के. ऐसा नहीं, मैं खुद जाके देख कर आया हूँ. मैं इंडिया जाके देख के आया हूँ. मैं गोल्डन टेम्पल में भी होकर आया हूँ, इसके अलावा न्यू दिल्ली और बरेली शहर में और सारे शहरों में फिर के आया हूँ. मैं देख के आया हूँ वहाँ पे अब भी मुसलमान, सिख और जितनी भी मिनोरिटीज हैं उनके साथ वहाँ पे इंसाफ नहीं हो रहा. अगर वो सारे अभी मिल गए ना
तो एक पाकिस्तान और वहाँ से निकल सकता है। अच्छा, लेकिन हम इकट्ठे नहीं हो रहे, इंसाफ नहीं हो रहा है, इंसाफ नहीं हो रहा है। फिर भी वो तालीमी इदारों में हमें नजर आ रही है, फिर भी हमें प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठे हुए नजर आ रही है। आप मजबूरी में कर रहे हैं, आप मजबूरी में किसी माइनॉरिटी को प्रेसिडेंट की या प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बिठा सकते हैं? मजबूरी में नहीं, वो धांधली से आती है। जो उनका मुसलमान जो सूबा है वो इस वक्त हमारे पाकिस्तान से भी बड़ा सूबा है। कौन सा मुसलमान? यूके, ये यूपी, यूपी के अंदर चार बड़े बड़े मुल्क, चार बड़े बड़े शहर हैं जिनके वो चार सूबे बना सकता है। छोटे छोटे से उसने चंद वो छत्तीसगढ़ और ये सूबे बना दिए, एक मुसलमानों का क्यों नहीं वो बना रहा होता? क्योंकि ज्यादा वजीर आला बनेंगे, ज्यादा पेपर देने पड़ेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम का नाम आपको याद है? जी जी बिल्कुल। एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे? ये इनके प्रेसिडेंट रह चुके हैं जी। मनमोहन सिंह कौन थे? ये भी इनके प्रेसिडेंट रह चुके हैं। नहीं, इनके पास अख्तियारात नहीं थे, तो प्राइम मिनिस्टर बनाए ना मुसलमान को, किसी उनको मुसलमान होने के नाते ये उसने दुनिया में बावर कराने की कोशिश की थी कि हम मुसलमानों को भी और माइनॉरिटी को भी बड़ा कुछ देते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर दोस्तों, इस तरह के कीड़े पाकिस्तान में बहुत मिलेंगे देखने को। ये कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मुसलमान को बनाए, भाई ये डेमोक्रेसी है। अगर यहाँ पे इंडिया का अगर प्रेसिडेंट मुसलमान हो सकता है तो प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है। आप हमें बताएं कि आपके पाकिस्तान के अंदर कोई हिंदू प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? कोई क्रिश्चियन प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? बात कर रहा है कि पंजाब घूम के आया हूँ, बरेली घूम के आया हूँ, बहुत माइनॉरिटीज पे अन्याय है। पहले पाकिस्तान में देखो, कौन से ज़माने में आके गया है तू पाकिस्तान इंडिया के अंदर? इस तरह के झूठे प्रोपेगंडे करना बंद करो। जो पाकिस्तान में माइनॉरिटीज की हालत खराब हो चुकी है ना, उतनी दुनिया में कहीं नहीं है, समझे? बात कर रहा है माइनॉरिटीज पे जुल्म होता है। कि वो तो जानवरों को उन्होंने सरेआम फिर रहे हैं, हमारे तो अलग हैं। जानवर यहाँ आपको फिरते हुए नजर नहीं आते, वहाँ पे सड़कों पे नजर आ रहे हैं आपको, कभी वो दिखाते नहीं है ये चीजें। अच्छा। इनका क्योंकि मीडिया पावरफुल है, इंटरनेशनल मीडिया तो दिखा ही सकता है, वो इंटरनेशनल मीडिया को भी वो इश्तेहार देते हैं। मतलब आपको ऐसा नहीं है। यहाँ पे जितना सिख रह रहे हैं ना, आप उन सिखों से पूछें कि इंडिया में क्या हो रहा है। अच्छा। वहाँ पे सिखों के साथ कितने बुरा हाल हुआ है, इनको ये नहीं पता 1971 में हमारे एक निशाने पे उनका गोल्डन टेम्पल था, हमने जानबूझ के नहीं उसे तबाह किया। गोल्डन टेम्पल को तू उड़ाने की बात कर रहा है, अगर धक्का भी लग जाता ना तो पाकिस्तान आज नहीं होता, ये बात भी ख्याल में रखना, समझे? तुम्हारी औकात नहीं गोल्डन टेम्पल को हाथ लगाने की। और गोल्डन टेम्पल ही क्या, और भी इंडिया के किसी शहर को टारगेट करने, जिस दिन भी ये गलती आप करोगे ना उस दिन पाकिस्तान खा हो जाएगा, समझ गए ना? और ख़ास करके इस तरह के चाहिल कीड़े को ये बात मैं कह रहा हूँ, सभी पाकिस्तानी को नहीं कहूँगा, मगर इस तरह के कीड़े पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, जिनको पता कुछ नहीं है, नॉलेज कुछ नहीं है, और ये आके एक प्रोपगंडा फैलाने का काम करते हैं। सारों को सब कुछ जो है वो हिंदुओं का ही है, वो मुल्क मुसलमानों का और सिखों का और क्रिश्चियन का नहीं है, वो मुल्क वो करते हैं। हम नहीं इस तरह करते, हम सारों को जो है बराबर के हकूक। चढ़ा वाला का वाक्या क्या था फिर? वो तो इन्होंने ही कंडेम किया गया, नहीं लोगों ने कंडेम करने से। आप एक मिनट, आप पहले उनकी सारी चीजें तोड़ दो, बाद में आगे कहो ये बड़ी गलत है। देखिए कुछ लोग करते हैं ऐसे, सभी लोग में कहीं पर होती है, आई नो 100% अग्री, उनमें नहीं है, हिंदुओं में नहीं है, बहुत ज्यादा है। एक्सट्रीमिज्म तो मैं कह रही हूँ कहीं पर भी होती है, वहाँ पर भी कट्टर हिंदू है। ऐसे खालिस्तान पे सवाल था, देखिए वो खालिस्तान पे चला रहे हैं, तो कैनेडियन ने जो किया है उन्होंने कतल तो उसका पहले हुआ था, उन्होंने तहकीकात करके फिर उन्होंने उसके पाकिस्तान जो है वो सिखों के साथ है, हिंदुओं के साथ नहीं। हिंदुओं से आपका क्या? एक मिनट, आपकी हिंदुओं से कोई दुश्मनी है? हाँ जी, ये दुश्मनी है, वो हमारी हम इज्जत बिल्कुल नहीं वो करते हमारी। अच्छा। आपने वहाँ जाके नहीं ना देखा, चाइना भी इज्जत नहीं करता, बहुत इज्जत करता है, चाइना तो हमारी बहुत इज्जत करता है। उन्होंने चाइना की बात बोली है, 1400 साल पुरानी मस्जिद को तोड़ने के उनके कोर्ट ने ऑर्डर दिए, कहते हैं तो निकाल के दिखा दो। वो जिसने इन्होंने निकाला बाबर मस्जिद का, मैं तो चाइना की बात कर रही हूँ, भारत की तरह उन्होंने भी किया होगा ना, इसी तरह पुराना निकाला होगा, नहीं हमारे होता है हर जगह, जो भी हमारे इस्लाम मजहब को छेड़ेगा हमारे दिल को दुख होता है।
इमरान जी, चाइना के बारे में बोलने की ताकत तो आपने ही नहीं, क्योंकि आप अप्पू जान है ना, वो आपका मुल्क जो है चल रहा है अभी उसकी टुकड़ों पे चल रहा है। वहाँ तो मुसलमान को दाढ़ी रखने की इजाज़त नहीं है, ये तो मस्जिद की बात कर आप कर रहे हो, मस्जिद पे वो भी कोर्ट के आदेश से, विदाउट कोर्ट के आदेश से भी वहाँ पे कई सारी मस्जिदें तोड़ दी गई है, और जो मीनारे रहती है वो मीनारे का भी टोटल मस्जिद का जो डिज़ाइन रहता है वो टोटल चेंज कर दिया है चाइना ने। वहाँ पे कुरान पढ़ना भी मना है, वहाँ तो नहीं चिल्लाओगे आप, फिर आप ये कह रहे हो कि हमें पता नहीं इसके बारे में, कैसे पता होगा भाई, उनके टुकड़ों पे जो पढ़ रहे हो उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते, मगर इंडिया के खिलाफ अगर कुछ भी जरा सी चीज़ होती है तो चालू हो जाते हैं। जहाँ भी इस्लाम के खिलाफ बात होगी हम लोग रिएक्शन दे उसको आगे से। इसमें कोट करता हूँ ना कि आप अगर किसी को हाथ से नहीं रोक सकते तो जुबान से रोके, जुबान से नहीं तो दिल में बुरा कहें, हम दिल में तो बुरा कह ही रहे हैं ना, कंडेम कर रहे हैं जो चीज़ जुबान से क्यों नहीं कर सकते, जुबान से कर रहे हैं लोग जो करते हैं। सफारती तालुकात भी कोई चीज़ होती है कि नहीं? सफारती तालुकात पाकिस्तान के उससे बेहतर है, वो कम्युनिकेशन करते हैं उससे बेहतर होता है उनके हालात को, इस तरह कंडेम किया जाता है ठीक है, जैसे इमरान खान ने किया। चाइना ने सॉरी बोली आपसे कि 1400 साल पुरानी मस्जिद को क्यों डिमोलिश करने का ऑर्डर पेश किया? वजह क्या है मुझे तो नहीं पता, नहीं पता ना आपको, क्योंकि आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि उन्होंने डिमोलिश करने के भी ऑर्डर्स दिए। देवेक, हम देखें तो कनाडा और इंडिया की जो आपसी इख्तलाफात हैं, कंट्रोवर्सी है, वो बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही। कभी इंडिया की तरफ से जवाब आता है और कभी कनाडा की तरफ से कोई रिप्लाई आ जाता है, लेकिन इसमें अभी जो क्वेश्चन है वो ये है कि अमेरिका एक रोल प्ले कर रहा है, एक बहुत बड़ा किरदार, अहम किरदार अदा कर रहा है इस सारे मसले के अंदर, पॉजिटिव और नेगेटिव। आप बताइएगा कि क्या रोल प्ले कर रहा है और किस तरह से इसका इंपैक्ट इंडिया या कनाडा को आ सकता है? देखें, अमेरिका का फिलहाल पॉजिटिव रोल है, लेकिन अमेरिका की कुछ सर्टेन लॉबीज या कुछ सर्टेन सेक्शंस हैं जो इसका नेगेटिव रोल प्ले करना भी चाह रही हैं। पॉजिटिव की अगर बात करें तो उसमें यह है कि पेंटागन के जो एक्स ऑफिशियल हैं, जो बड़ी पोस्ट पे थे अभी अमेरिकन इंस्टीट्यूट में, वो सीनियर फेलो हैं माइकल रूबिन, वो कहते हैं कि भाई अमेरिका कैनेडा में सिर्फ इंडिया से रिलेटेड एंटी इंडिया एलिमेंट्स या इंडिया के टेररिस्ट नहीं है, कैनेडा ने ऐसे अफ्रीकन और काफी दूसरी जगहों के भी टेररिस्टों को सेफ हेवन और एक अजाइलम और रेफ्यूजी स्टेटस दिया हुआ है, तो उसके लिए कैनेडा को एफएटीएफ में जाना चाहिए। ये बात ये करते हैं। दूसरी बात माइकल रूबिन बोलते हैं कि भाई कनाडा क्या बकवास कर रहा है कि निजर प्लम्बर था कि नहीं था, दैट डजंट मैटर, ओसामा बिन लादेन इंजीनियर था तो क्या माफ कर दिया जाए, तुम ये बात करो कि वो बेगुनाह था कि नहीं था, या सबूत रखो कि इंडिया कैसे इन्वॉल्व है उसकी किलिंग में, पॉइंट पे आके बात करो, ये कौन सी बात की है कि वो प्लम्बर था तो ये था तो वो था। तो ये दो चीजें बड़े सीनियर ऑफिसर, एक सीनियर पेंटागन के सीनियर ऑफिसर, बहुत बड़ी बात होती है, एक तरीके से समझ लो कि ऑलमोस्ट आधा प्रेसिडेंट ही हो गया अमेरिका का। इसके अलावा देखें तो इंडिया ने बड़े कल सख्त एक्शन लिए हैं, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। पहली बात तो जितने भी खालिस्तानी है, कैनेडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इन चारों मुल्कों के जितने भी खालिस्तानी है इनके OIC PIO कार्ड को कैंसिल कर दिया जाएगा, कुछ के कर भी दिए हैं, NRI बैंक अकाउंट्स को भी कैंसिल कर दिया जाएगा, और उनकी जितनी प्रॉपर्टीज इंडिया के अंदर है उनको कॉन्फिस्केट करना शुरू कर चुके हैं। कल निजर और पन्नू की प्रॉपर्टीज को तो कर दिया है, और जाहिर सी बात है कि अब वो इतने लोग हैं, एक पूरी लिस्ट आ जाएगी एक दो हफ्ते में कि कितनी प्रॉपर्टी NIA ने अटैच की है, कितनी प्रॉपर्टियों को उन्होंने सीज कर दिया है, तो वो जब पूरी लिस्ट आएगी तो उसकी तब की बात है। एक तो ये चीज है, दूसरा अगर हम इसमें देखें कि इंडिया ने इम्पोर्ट्स करना, जाहिर सी बात है महीने के बाद खबर भी आ जाएगी इंडिया ने अपने इम्पोर्ट्स कम कर दिए हैं कैनेडा से, जब मंथली रिपोर्ट आती है। इसके अलावा इंडिया की कंपनियों ने शुरुआत कर दी है वहां से निकलने की, सबसे पहली शुरुआत महिंद्रा ग्रुप ने की है, शुरुआत ही मुश्किल होती है, वैसे तो महिंद्रा ने शुरुआत की तो आगे बढ़ने में कितना टाइम लगता है। खबरें ऐसी भी चल रही हैं कि इंडिया अपने इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर भी कुछ सख्ती करने वाला है कि जो वहां पर जाके कनाडा जाके जो पढ़ते हैं, और अगर इंडिया ऐसी कोई भी सख्ती करता है फॉर एग्जाम्पल, तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि कनाडा को $30 बिलियन का एनुअल लॉस है, एनुअल $30 बिलियन का अराउंड अप्रॉक्सीमेटली, तो ये एक चीज होगी क्योंकि 40% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इंडियन होते हैं कनाडा में। अच्छा, इसके अलावा अगर हम आगे उसमें बढ़ें तो कनाडा की पार्लियामेंट में जो उनके अपोजिशन लीडर्स हैं वो पार्लियामेंट के अंदर भी मीडिया में भी उनके उतार रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अभी आपने ये बातें सुनी कि किस तरह के ये नफरती लोग रहते पाकिस्तान में,
और ऐसे बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में, मैं सभी लोगों की बात नहीं करूँगा दोस्तों, मगर ऐसे कीड़े चाही कीड़े पाकिस्तान में बहुत है। और अभी इनको ये जो हथियार मिला है, नई बात मिली है खालिस्तानियों की, तो ये समझते हैं कि इंडिया के जो सिख भाई है वो भी ये सब इनकी डिमांड कर रहे हैं, मगर इन गधों को पता नहीं है कि हिंदुस्तान के जो सिख भाई है उनको खालिस्तान से कोई मतलब नहीं है। और जो कुछ गिने चुने लोग यहाँ से भाग खड़े हुए बाहर जाके वही चिल्लाती है और जिसको ISI पाकिस्तान सपोर्ट करता है। और रही बात ये जो अभी बात कर रहे हैं कि कैनेडा जो है वो कैनेडा की सही बात है, कैनेडा को सपोर्ट कर रहे हैं, तो अभी इनको एक नया ब्रदर मिल चुका है इसलिए आज उनका सहारा लेने की ये कोशिश कर रहे हैं। मगर भाई आप कितना भी चिल्लाओगे आपकी औकात तो कुछ तो टकेगी नहीं है। और दुनिया भर के कोई मुल्क में आप अगर स्टेटमेंट भी देते हो तो आपका जो भी बयान है उसकी तरफ कोई ध्यान देता नहीं, क्योंकि दुनिया को पता है कि दुनिया भर का एक नंबर का दहशतगर्द मुल्क है तो वो पाकिस्तान। तो दोस्तों इस तरह के काफ़ी सारे लोग पाकिस्तान में मिल जाएंगे जिनके दिमाग में जहर भरा हुआ है और ये दिन भर छोटा प्रोपोगंडा करते हैं। वो कह रहा था कि मैं बरेली गया हूँ, अमृतसर गया हूँ, कौन से ज़माने में गया था ये पता नहीं है कि बहुत जुल्म हो रहा है, कहाँ जुल्म इसने देखा है इस गधे ने। पाकिस्तान से ज़्यादा जुल्म तो दुनिया में कोई मुल्क में नहीं होता, जहाँ की माइनॉरिटीज आज हिंदू इतने परसेंट थे 1% पे आ चुके, सिख भाई कितने परसेंट थे वो कितने रह गए हैं, मगर इनको फिक्र दुनिया की पूरी है, खुद के मुल्क में क्या हो रहा है इनको कुछ लेन देन पता नहीं है, खुद के मुल्क के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। जो बलोच भाई है बेचारे फ्रीडम के लिए कितने सालों से पड़े उनकी बात ये नहीं करेंगे, मगर इंडिया में अगर कुछ होता है तो वो कह रहे हैं कि भाई अलग और एक पाकिस्तान बनना चाहिए, उनका अलग मुल्क देना चाहिए। भैया पहले अपने मुल्क की फिक्र करो कि अपने मुल्क के जो टुकड़े हैं वो होने से बचाओ, क्योंकि आपके मुल्क में हर स्टेट में जो प्रोटेस्ट शुरू है आज़ादी के नाम से, भाई अपना मुल्क संभालो और ऐसा ना हो कहीं आप दूसरों के ऊपर ध्यान देते देते अपने मुल्क के 3-4 टुकड़े कर बैठे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और ये थे आज के पाकिस्तानी नमूने, तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, मगर जाने से पहले जो भी व्यूअर्स नए हैं उनसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।